गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आज की क्लास में बच्चों हम पढ़ेंगे हैंड टूल्स के बारे में। हैंड टूल्स बच्चों, इनकी जानकारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी काम, कोई भी टेक्निकल वर्क आप करने जाते हैं तो आपको हैंड टूल्स की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। हैंड टूल्स की जानकारी सही नहीं होगी आपको तो आप जो काम आपको 10 मिनट में हो रहा है वो काम आपका 1 घंटे में होगा, तो इसकी जानकारी होने से बच्चों आपकी इफ़िशियंसी बहुत बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या क्या जानना है, क्या क्या जानकारी विशेषकर आपको जानना ज़रूरी है। पहला बच्चों, इनकी बनावट कैसी होती है और किस औजार का उपयोग कहाँ किया जाता है, और उपयोग करने में सावधानियाँ, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है बच्चों। ठीक है, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो पहला अपन पढ़ेंगे स्क्रू ड्राइवर के बारे में। स्क्रू ड्राइवर क्या है बच्चों? स्क्रू ड्राइवर स्क्रू ओपन करने के लिए काम में आता है, जैसा कि आपने सिंपल पढ़ा है। तो बच्चों ये रहा स्क्रू ड्राइवर। अब स्क्रू ड्राइवर कितने तरह का होता है? एक बच्चों प्लस होता है, प्लस में आपको जो उसकी निप है उसमें प्लस बना हुआ दिखाई देगा कुछ ऐसे, और एक माइनस जो सिंपल आपका स्क्रू ड्राइवर रहता है घरों में माइनस वाला, ये आपका माइनस की फोटो बनी हुई है, प्लस वाला आपने देखा होगा कई जगह पे। दूसरा है कॉम्बिनेशन प्लायर, ये सिंपल वायर को टाइट करने में, पकड़ने में किसी चीज़ को, ये काम में आता है। इंसुलेशन इधर लगा होता है, इसमें इंसुलेशन इसलिए लगा होता है बच्चों ताकि किसी को इलेक्ट्रिकल का काम करते हुए करंट ना लगे, ये मेनली इलेक्ट्रिकल वर्क में इस्तेमाल में आता है। और दूसरा है ये नोज़ प्लायर। नोज़ प्लायर में बच्चों देखेंगे आगे जो इसकी चोंच है वो काफ़ी निकीली होती है, नोज़ प्लायर की चोंच निकीली होती है, तो फिर क्या होता है, चोंच निकीली होती है तो फिर ये आगे किसी भी चीज़ को पकड़ने में मान लीजिए ये तार है, आपको यहाँ से मोड़ना है तो इसको आप नोज प्लायर से अगर कनेक्ट करना है, मोड़ ज्वाइंट करना है तो बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यह प्लायर तारों को पकड़ने, मरोड़ने, रिंग बनाने के काम में आता है। यह फ्लैट नोज तथा राउंड नोज प्रकार के होते हैं। इनके हैंडल के ऊपर रबर का इंसुलेशन चढ़ा रहता है। यह हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तीसरा है कटिंग प्लायर। कटिंग प्लायर में आगे जो रहता है वो पकड़ने के लिए नहीं बना रहता, वो काटने के लिए बना रहता है। काटने के लिए क्या? काटने के लिए जो स्ट्रैंड बच जाते हैं, अनवांटेड केबल है, अनवांटेड स्ट्रैंड केबल के इधर उधर निकले हैं, जिससे कहीं ग्राउंड होने की पॉसिबिलिटी लगती है अपन को कि कहीं से ग्राउंड हो जाएगा, तो अपन उसको अच्छे से ड्रेसिंग करने के लिए, काटने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ये आपका कटिंग प्लायर है। ये आप वायर स्ट्रिपर आपका करंट केबल को, जैसे ये केबल है, इंसुलेशन केबल है, इसको इंसुलेशन हटाने के मेन काम में आता है। जब आपको वायरिंग करनी पड़ती है तो आपको बहुत जगह इसकी ज़रूरत पड़ती है। यह केबल के सिरों का इंसुलेशन सही रूप से बिना चालक को हानि पहुंचाए काट कर उतार सकता है। ठीक है बच्चों, मेन ये स्ट्रिपर का काम है, केबल स्ट्रिपर। तीसरा है बच्चों आरी। आरी दो तरह की होती है, एक आपकी आयरन को काटने के लिए और एक होती है लकड़ी को काटने के लिए। तो ये रही बच्चों लकड़ी को काटने के लिए आरी। इसमें क्या होता है, ब्लेड रहती है और ये हत्था रहता है। ठीक है, अब लोहे को काटने के लिए अलग तरह की ब्लेड इस्तेमाल में लाई जाती है। ठीक है बच्चों, ये हेक्सा लोहे को पाइप, पीवीसी पाइप आदि काटने के लिए ये है आरी। लकड़ी केसिंग, केपिंग, बैटन, लकड़ी के बोर्ड आदि, ब्लॉक आदि काटने में इस तरह की आरी काम में लाई जाती है। ठीक है, अब तीसरा है ये चिजल, चौरसी बोलते हैं इसको। ये लकड़ी का वुडन काम जहाँ होता है, लकड़ी में होल करने के लिए, ब्रैकेट बनाने के लिए, लकड़ी को सही से काटने के लिए चिजल इस्तेमाल में लाई जाती है। यह बैटा, केसिंग, केपिंग, राउंड ब्लॉक, लकड़ी के बोर्ड आदि के कटिंग के लिए काम में लाई जाती है। ठीक है बच्चों, चिजल के अलग अलग रहते हैं। कितने एमएम का चिजल है उसकी, ये
कटिंग आगे जो ब्लेड है उसके आधार पे अपन एमएम का डिजाइन करते हैं कि कितना कैसा चिजल आपको चाहिए। तीसरा है बच्चों मैलेट। मैलेट होता है बच्चों लकड़ी का हथौड़ा, इसका इस्तेमाल करते हैं जैसे तारे हो गई, चद्दरें हो गई, इनको सीधा करने में। इनको सीधा करने में अगर नॉर्मल हथौड़े से एक तो आपका फोर्स बहुत लगेगा और ऊपर से वो सीधी नहीं होंगी नॉर्मल हथौड़े से, इसलिए मैलेट का बच्चों ये जो एरिया होता है ये बड़ा होता है और वो हल्के होते हैं ताकि आप जब उसमें फोर्स से पटके तो एरिया ज़्यादा कवर करे वो और डैमेज ना हो चीज़ नीचे की जिसपे आप फोर्स लगा रहे हैं, इसलिए आप मैलेट इस्तेमाल करते हैं। चौथा है बच्चों हैमर। अगला है हैमर। हथौड़ा जैसा कि सबको मालूम है जो मेन फोर्स वाले जिसमें आपको फोर्स एक कंसंट्रेटेड एरिया में चाहिए रहता है वहाँ अपन हथौड़ा हैमर इस्तेमाल करते हैं। हैमर कई तरह के होते हैं, चलिए एक एक करके देखते हैं। ये है हैमर के प्रकार। इसमें आप देख सकते हैं पहला जो हैमर है वो बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर, क्लॉ हैमर, स्लेज हैमर। ठीक है बच्चों, अलग अलग एप्लीकेशन के लिए अलग अलग हैमर इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये रहा आपका, ये हैमर है आपका क्लॉ फेस है, इधर से आप कीले वगैरह क्लॉ निकाल सकते हैं, इधर से आप हिट कर सकते हैं। ये आपका है हिटिंग के लिए, ये आपका फ्लैट की किसी चीज़ को ठोकना है, आपको तोड़ना है, फोड़ना है तो उसके लिए ये वाला जैसे कि ईंटें वगैरह तोड़ने के लिए जो बोलते हैं उसको, इस तरह का हैमर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बच्चों, अलग अलग हैमर अलग अलग जगह काम करने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। ठीक है, चीजल, कोल्ड चीजल जो छेनी बोलते हैं जिसको बच्चों, वो आगे कटिंग करने के लिए वॉल वगैरह में कटिंग करने में, प्लास्टर में कटिंग करने में, वायरिंग के लिए पाइप की कटिंग करने में, ये चीजल कोल्ड चीजल छेनी बोलते हैं वो इस्तेमाल में लिया जाता है। सॉफ्ट हैमर बच्चों रबड़ का बना होता है। सॉफ्ट हैमर का काम क्या होता है, जैसे कि वायरिंग करी तो उसको शेप में लाने में वार्निश डालने के बाद, और सॉफ्ट जहाँ पे आप डैमेज होने का डर रहता है आपके बेस का, वहाँ पे अपन सॉफ्ट हैमर का इस्तेमाल करते हैं। इसका फेस अकर्लिक थर्मोप्लास्ट हार्ड रबड़ का बनाया जाता है, इसके हत्थे पर हार्ड जाते ताकि फिसल जाए। यह प्रायः छोटी मोटरों की फिटिंग में काम में लिया जाता है, जैसा कि आपको बताया बच्चों फिटिंग में काम में लिया जाता है। और ये है आपका चौथा, रेतियां। ठीक है बच्चों, रेती मेनली सरफेस को शाइन करने, क्लीन करने के लिए और उसके ऊपर से रस्ट वगैरह हटाने के काम में आ जाती है, छोटे कड़ों को रूप में काटने में काम में आती है। ये है बच्चों एज फ्लैट फाइल, ट्रायंगुलर फाइल, राउंड फाइल, स्क्वायर फाइल। तो बच्चों देखिए, जैसा कि अपन का वर्क पीस होगा जहाँ पे अपन को काम करना रहेगा, वो उसी वहाँ से अपन डिसाइड करेंगे कि अपन को किस तरह की रेती की ज़रूरत है। मान लीजिए एक फ्लैट प्लेन आपको मिला है, इसको आपको इसके ऊपर क्लीन करना है तो आप ये फ्लैट रेती लेंगे। अगर आपको सर्कुलर प्लेन मिला है, मान लीजिए ऐसा प्लेन मिला है, तब आपको इस तरह सर्कुलर रेती की ज़रूरत होगी। अगर मान लो आपको ऐसा प्लेन मिला है तो आपको इस रेती की ज़रूरत पड़ेगी। अलग अलग प्लेन के लिए आपको अलग अलग रेती की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है बच्चों, तो ये ऑल फोर टाइप्स ऑफ फॉइल है। आप क्या कर सकते हैं, आप इन नोट्स को फिर से पढ़ के और डिटेल में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, पर मेन चीज़ों का काम, फाइल्स का काम बता दिया गया है। तीसरा है सेंटर पंच। सेंटर पंच बच्चों
किसी भी चीज को जब धातु जैसे कि कोई पेच फंस गया है, कोई पेच फंस गया है तो उसमें होल करने के काम आता है, उसको निकालने के लिए उसमें होल करना पड़ेगा। होल करने के लिए आप सेंटर पंच का इस्तेमाल करते हैं। किसी वस्तु या धातु आदि में छिद्र करने के लिए पहले छोटा छिद्र सेंटर पंच द्वारा बनाया जाता है तथा कार्बन स्टील में बनाया जाता है इसके हत्थे पर। ठीक है बच्चों, ये सेंटर पंच निकालने के काम, किसी चीज को जब निकालना और फंस जाती है, किसी चीज को निकालने के लिए आपको मेटल में होल बनाना पड़ता है, सेंटर पंच से उसको होल बनाते हैं, फिर उसको ड्रिल वगैरह की मदद से उसके ऊपर ड्रिल चला सकते हैं। वैसे अगर आप डायरेक्टली ड्रिल करने जाएंगे तो फिर आप डायरेक्टली ड्रिल कहीं एक्सीडेंट होने के चांसेस भी रहेंगे और बिट के टूटने के चांस रहते हैं, इसलिए पहले सेंटर पंच से उसमें होल करते हैं फिर ड्रिल करते हैं। कैंची तो आप सबको पता है, सीजर, नियॉन टेस्टर। नियॉन टेस्टर बेसिकली बच्चों लाइन को पता करने में, लाइन इससे आप जैसे लाइन और न्यूट्रल घर पे आते हैं, लाइन न्यूट्रल दो केबल आते हैं, आर वाई अगर थ्री फेज सप्लाई है तो आर वाई बी फेज आएगा, तो इसमें आपको टेस्टर की मदद से आप ये पता कर सकते हैं कौन सी केबल में लाइन आ रही है, कौन न्यूट्रल आपको नहीं पता चलेगा पर लाइन का पता आपको चल जाएगा किस केबल में लाइन आ रही है। ठीक है बच्चों, और है फिर स्टैंडर्ड वायर गेज। वायर गेज है बच्चों, ये वायर गेज से क्या पता चलता है, वायर गेज से पता चलता है कि आप कितने एमएम का वो केबल है। ठीक है बच्चों, इससे उस केबल की मोटाई पता चलती है। जैसे आपको वायरिंग करनी पड़ेगी तो आपको वायर की एमएम पता होना चाहिए, फिर आप खरीद के ला सकते हैं। तो इस गेज की मदद से अपन वायर की लंबा डायमीटर पता करते हैं। यह लगभग 2.5 एमएम मोटी इस्पात की गोलाकार प्लेट का बना होता है, इसकी परिधि में गोल छिद्र होते हैं जिसमें विभिन्न गेज के कट बने होते हैं। एक ओर गेज नंबर तथा दूसरी ओर तार का व्यास मिलीमीटर में अंकित होता है। आसानी से पकड़ने के लिए बीच में बड़ा सा सुराख बना होता है, यह चद्दर की मोटाई को भी मापता है। ठीक है बच्चों, केबल वगैरह मापने के लिए। देखिए नेक्स्ट है क्रिम्पिंग टूल। क्रिम्पिंग टूल बच्चों लग को और केबल को कनेक्ट करने में काम में आता है। क्रिम्पिंग टूल में क्या, यहाँ पे एक होल बना रहता है, वहां पे अपन लग के अंदर केबल को वायर को डाल के इस क्रिम्पिंग टूल के होल में डालते हैं और जब इस हैंडल को क्लोज करते हैं तो वो क्या करता है, आपके जो लग है, लग का जो ओपनिंग है उसको प्रेस करता है जिससे कि केबल लग के साथ अटैच हो जाता है। ठीक है, क्रिम्पिंग टूल केबल को लग के साथ अटैच करने के काम में आता है। इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन। इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन आप सबको पता है, ये होल करने के काम में आती है, होल कर सकते हैं आप, इसे स्क्रू टाइट कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रिक ड्रिल रही। इलेक्ट्रिक ड्रिल में डीसी सीरीज मोटर मेनली इस्तेमाल करते हैं। डीसी सीरीज मतलब आर्मेचर रहेगा इसके अंदर, एक कन्वर्टर एक आर्मेचर रहेगा। आर्मेचर क्या करेगा, डीसी सीरीज इसलिए क्योंकि हाई टॉर्क देता है और इसको अपन लोड में ही चालू करते हैं। दूसरा है स्पैनर। स्पैनर और एलन की, देखिए बच्चों अलग अलग टाइप के स्क्रू आते हैं, अलग अलग नंबर के बोल्ट रहते हैं, नट रहते हैं, तो उनको ओपन करने के लिए अलग अलग नंबर के स्पैनर रहेंगे, ठीक है। एक स्पैनर, ये आपका एडजस्टेबल स्पैनर है, ये सिंपल स्पैनर है, ये एलन की है। अलग अलग तरह के स्पैनर और एलन की। एलन की में क्या रहेगा, होल रहेगा एक, उसको एलन की मदद से उसका शेप जिस नंबर की एलन की होगी उसी से खुलेगा वो। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों सोल्डरिंग आयरन। ये मेजरली यूज होता है इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड में केबल को कनेक्ट करने में, किसी पॉइंट से केबल हो गई, चिप हो गई, रजिस्टर्स हो गए, कैसे कनेक्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड में, आप इस सोल्डरिंग आयरन की मदद से। ये बेसिकली एलिमेंट इसमें आगे जो लगा होता है ये हीट हो जाता है जब इसको सप्लाई से कनेक्ट करते हैं। जब ये हीट हो जाता है तो अपन जो लेड
का जो मटेरियल कांसे का रहता है मटेरियल, उसको मेल्ट करके यहाँ पे ज्वाइंट करना रहता है, वहाँ चिप रजिस्टर वगैरह ले जा करके वहाँ केबल के साथ जोड़ के ज्वाइंट कर देते हैं। ठीक है बच्चों, ये इलेक्ट्रिक सप्लाई से चलता है सोल्डरिंग आयरन। और नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट बच्चों अब लास्ट यही था सोल्डरिंग आयरन। अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट अगला दूसरा है, जिसमें अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में और सेफ्टी के बारे में, मेनली इलेक्ट्रिक रूल्स, इलेक्ट्रिसिटी रूल्स क्या है उनके बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बारे में। तो तब तक के लिए नमस्कार।